दोस्तों मैं आपको कल के वीडियो में बोला था कि यार आज हमारे कलर वीडियो का लास्ट डे है हमारे सेटअप में, क्योंकि यार हमारी ये वाले टैंक के जितने भी कलर वीडियो है ये सारी की सारी जाने वाली है विशाल भाई के टैंक में। तो चलो भाई अभी जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारी कलर वीडियो पकड़ लेते हैं। नेट हो गई और एक डब्बा हो गया और इसी में हम अभी सारी कलर वीडियो पकड़ लेते हैं। यार इतनी ज्यादा एक्टिव रही थी ना, पकड़ में ही नहीं आती। ओए ओए धीरे से, टाइगर बार मत डाले, टाइगर बार यहीं पे रहने दे। तो हमने सारी कलर वीडियो पकड़ ली, तो चलो यार अभी जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं विशाल भाई के घर, तो चलो यार स्ट्रीट डॉग्स। ओ भाई साहब ये देखो भाई, इसका है दोस्तों फुल्ली फर्नीचर टैंक, मतलब फर्नीचर किया हुआ है इन्होंने उनके हॉल में, और उसके नीचे ही इन्होंने एक छोटा सा 3 फीट का टैंक बनाया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। और ये फिश अभी जाने वाली है इस टैंक में। यहाँ पे हमने जो पहले वाली कलर वीडियो छोड़ी थी उनका क्या हुआ विशाल? वो मैंने एक्सचेंज कर ली शॉपकीपर से। हाँ उसके, अच्छा उसके जगह पे गोल्ड लाई है, और वो कहाँ पे रखी फिर? ऐसा है क्या? ओके तो पहले अपन क्या करते हैं, ये वाली कलर वीडियो ऐड करते हैं फिर वो गोल्ड लेते। तो उसके टैंक का सिस्टम ऐसा है ना भाई, ये फर्नीचर में टैंक किया हुआ है और ये बाहर भी आता है। ये देखो भाई ये अभी बाहर आ गया, बहुत ही अच्छा काम है भाई। नीचे तूने टायर लगाए गए इसके नीचे, छोटे साइज के जो टायर होते हैं ना वो एक्वेरियम के नीचे लगाए हुए, इसके लिए नीचे आगे जाके आगे या पीछे आगे पीछे करता है। चल डाल दे भाई। हाँ छोड़ देना, उनका हमने तो मेंटेन कर लिया है। ये गए दोस्तों यहाँ पे न्यू कलर वीडियोस। ओए 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 ये टोटल है ना 31 कलर वीडियोस है। कर देना पीछे अभी, क्यों क्या हुआ? ये जा रहा है दोस्तों पीछे, और अभी इसकी जो, ओ भाई ओए ना खूबसूरत दिख रहा है यार ये। अरे सारी कलर वीडियो थोड़ी ना अभी स्ट्रेस में रहेगी एक दो दिनों के लिए, तो ये ऐसे ही चुप कर बैठेगी, बाद में ये थोड़ी हैंड टीम हो जाएगी जैसे जैसे तू खाना इनको ऐड करेगा। तुझे तो एक्सपीरियंस हो गई ना भाई, करना तिकुड़ धाकल ना देना तिकुड़ धाकल। हाँ आले बग होए होए झुंड में हो सब। कलर वीडियो तो बहुत अच्छी होती है यार, ज़्यादा पानी खराब नहीं करती है। मुझे ना दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा भाई, ये टैंक है ना आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है बहुत ही इजीली, इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं यार। उसका भी जो सेकंड वाला टैंक है वो भी हम देख लेते हैं। ओ भाई ये वाला टैंक तो मैंने भाई यहाँ पे देखा ऊपर करके रखा है। तूने इनको ऑक्सीजन नहीं लगाई क्या? वो अच्छा लगा। और यहाँ पे ओरंडा गोल्ड है अभी। और दोस्तों ये सेटअप है ओरंडा गोल्ड फिश का, और भाई इनका लुक देख सकते हो कितना जबरदस्त दिख रहा है। भाई ने बैक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड किया है, और यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड किया है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये ऊपर रखा है भाई, ये बहुत खतरनाक सेटअप किया है तूने ऊपर, ये ऐसा है क्या? ओके ओके। और ये पानी में कैसे चेंज करेगा फिर? स्कूल पे खड़ा रहेगा वो, स्वाइप से निकाल लूंगा। ओके ठीक है मुझे तो अच्छा लगा यार, दो गोल्ड फिश के लिए सफिशियंट यार ये 1.5 फीट का टैंक बहुत अच्छे से। मैं तो बोल रहा हूँ ना कोई फिल्ट्रेशन लगा दे फिर, ज़्यादा पानी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू यार यहाँ पे बैठकर भी ऐसे उनको देख सकता है, शायद से तूने वैसे ही सेटिंग की है। ओके तो भाई ने क्या सेटिंग की भाई, यहाँ से आराम से बैठ कर वहाँ पर देख सकता है। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, भाई का जो ऊपर प्लांट्स वगैरह भाई ने लगाए हुए हैं ना तो वो भी देख लेते हैं। चलो ऊपर टेरेस पे प्लांट्स लगे भाई ने। ओए यार विशाल रात हो चुकी है, रात में अच्छे नहीं दिखेंगे यार, मॉर्निंग में देखना चाहिए था यार मैंने। ये देखो यार यहाँ पे कौन सा है ये, अच्छा ये तूने मटके में लगाया हुआ है इसलिए इतना अच्छे से ग्रो हुआ है। ये कौन सा है? फूल आते हैं। अच्छा व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसे, राइट? हाँ। ओ भाई हाँ ये वाटर पॉपी तो मेरे से लेके गया था। ओके तो यहाँ पे लगाई भाई ने, बहुत अच्छे से अभी फैलेगा देख तू ये थोड़े दिन में। और ये तो रोज है रोज है। तू मुझे कौन सा प्लांट देने वाला है? तो भाई के पास से हम ये वाला जो प्लांट है ना ये अभी लेके जाने वाले हैं। और तो दोस्तों इस वाले प्लांट को हमारे यहाँ पे पारिजातक कहते हैं, इसे व्हाइट कलर का और ऑरेंज कलर की इसे फूल को ही होती है। हाँ दंडी आती छोटी, तो ठीक है यार अच्छा है भाई तो मुझे ये गिफ्ट कर रहा है, तो चलो इसे हमें हमारे सेटअप पे लेके जाते हैं। और हाँ यार हमारा एक वाला जो प्लांट है ना वो मर गया था, हाँ उस पर ही ये लगा देता हूँ यार मैं, बहुत अच्छा हो गया यार ये तो। तो दोस्तों अभी हमने जो प्लांट लाया हुआ है ये वाला, तो ये हम कल ही लगाएंगे यार, ठीक है अभी क्योंकि रात हो चुकी है, ठीक है क्योंकि रात को पौधों का हाथ नहीं लगाना चाहिए।
तो चलो यार दोस्तों कल मिलते हैं मॉर्निंग में. नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग. हे गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग मेरे सारे भाइयों को. और दोस्तों हमारे यहाँ पे यार कल से अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया यार. रात को ही मैंने देखा भाई पूरे आसमान में बादल थे और देखो यार इतनी खतरनाक बारिश हुई ना भाई कल. मैंने हमारे सारे बजिस को वगैरह देखा और पानी वगैरह उनका जितना भी खाना पीना था मॉर्निंग वाला दे दिया. दोस्तों ये जो बारिश हुआ है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हमारे प्लांट्स इससे बहुत अच्छे ग्रो होने वाले हैं. और मुझे एक ही टेंशन था यार बारिश ज़्यादा जोर से ना हो और ये जो मिट्टी ना बाहर ना आए. बारिश इतनी ज़ोर से नहीं थी तो भाई मिट्टी वगैरह कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि वही से भाई देखो यार कोई दिक्कत नहीं. और बाहर देख सकते हो पूरा कचड़ा कचड़ा पानी पानी हो गया यहाँ पे. ये देखो भाई होए 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 ओए यार यहाँ पे घास किसने रख दी यार. अरे भीग गई यार ये. चलो स्नो ब्लैकी को उनकी घास दे देता हूँ. ओए यार दोस्तों मुझे यार क्लीनिंग की भी सख्त ज़रूरत है. ओ भाई ये क्या हो गया. ये देखो यार इसमें पूरा पानी भर चुका है. ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है यार क्योंकि यहाँ से ना अभी पानी भरने की वजह से क्या होगा यहाँ से प्लांट्स निकलना चालू हो जाएगा भाई. अभी क्लीन करना होगा, हमें क्लीनिंग की सख्त ज़रूरत है. पहले मैं इनको इनका खाना दे देता हूँ. चलो भाई खा लो खा लो खा लो. भीगी हुई घास है यार आज तुम्हारे लिए. पहले मैं यहाँ का पूरा पानी निकल लेता हूँ. ओके अभी ऐसे रहने देता हूँ. देखता हूँ अभी इसके ऊपर क्या उपाय करा जा सकता है. यार दोस्तों जैसे ही बारिशें आती है हमारे सारे पेट्स हमारे सारे फिशेज इतने ज्यादा खुश होती है ना भाई. और दोस्तों मुझे कल बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे हमारे कोई फिश को लेकर. भाई हमने जो ये लाइट्स ऑन रखी है ना ये लाइट की वजह से यार इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है. ठीक है तो मैं अभी क्या करता हूँ ना दोस्तों ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ. मतलब हमारी कोई फिश स्ट्रेस फ्री हो जाए. जैसे ये स्ट्रेस फ्री हो जाएगी फिर हम यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं. इसे मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में कहा है. और दोस्तों ये आपका पानी देख सकते हो और कितना क्लीन लग रहा है. पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है वाटर. भाई ये क्लीन होने की सारी वजह सिर्फ ये है. ये स्पंज फिल्टर भाई बहुत अच्छा काम करता है. अब ये देखो इसके ऊपर पूरा धूल मिट्टी आ चुका है. तो ये धूल मिट्टी आने की वजह से मुझे ये पूरा अभी क्लीन करना होगा. बट अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ भाई यहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ कर देता हूँ. देखो भाई अभी लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई और हमारी थोड़ी कोई फिश यार मैंने इनको खाना डाला था मॉर्निंग में और ये इन्होंने खाना भी थोड़ा बहुत खाया हुआ है. तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं और ऊपर के फिशेस वगैरह भी देख लेते हैं क्योंकि यार कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ पे. जा भाई खुल जा. ये बारिश की वजह से बहुत ज्यादा जाम हो जाता है भाई पता नहीं क्यों. ओए यार शिट 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 यहाँ का जो पानी ना भाई देखो यार पूरा का पूरा फुल भर चुका है बट बाहर नहीं आया है. इतना अच्छा है यार भाई. बाकी देख लेता हूँ बाकी भी सेम वैसे ही हालत है यार. ये हमारी फीमेल गप्पीज भाई सारे के सारे ठीक है. और यहाँ पे बाकी हमारे मिक्स बेबीज वगैरह ये भी ठीक है सारे के सारे. देख लेता हूँ ये भी ठीक है. बाकी यहाँ तो बारिश ही नहीं आएगी. एलिगेटर कार का जो वाटर है ये भी थोड़ा थोड़ा भर चुका है. बाकी कुछ नहीं यार मैं इसे ढक कर ही गया था. बाकी साइड में तो अभी भी थोड़ी 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 बूंदे आ ही रही है बारिश की. देखो यार टेरेस भी पूरा अभी भी कह नहीं सकते यार क्योंकि बात आसमान में पूरा बारिश का माहौल है तो पता नहीं कभी भी बारिश आ सकती है. यार रात को भी मैंने यहाँ पे दो राउंड लगवाए थे क्योंकि ये पानी ना भाई ये फुल भर जाता था तो मुझे इनका पानी का जो लेवल है मेंटेन रखना पड़ता था क्योंकि ये फुल भर गया तो ये फिशेज बाहर आने का भी चांस होता था. इसी की वजह से भाई मैं एक दो बार रात को ऊपर आया था और ये पानी में कम करके गया था. तभी भी देखो यार इतना भर चुका है क्योंकि मैंने कल भाई इतना 50% पानी कम कर दिया था तो रात में ये 50% से भी ज़्यादा भर चुका है. मतलब ये फुल ऑलमोस्ट फुली भर चुका है. तो अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ. अभी तो बारिश नहीं लग रही आएगी बट थोड़ी थोड़ी आ ही रही है बट जोर से नहीं आएगी यार. जोर से आएंगी तब देखेंगे फिर मैं इनका पानी फिर से कम करते जाऊँगा क्योंकि लग रहा है कि भाई थोड़ी धूप निकलेगी शाम को तो कम करने की कोई ज़रूरत नहीं तो फिर से पानी भरना होगा हमें. अगर कोई सिस्टम करना होगा यार मतलब जैसे कि बारिश में ये फुल भर जाते हैं और मैं कभी घर नहीं रहा तो ये फुल भर कर हमारी फिश जा सकती है यार सीधा पानी के मतलब सीधा जाएगी भाई फिर गार्डन में ही जाएगी ये सारी. तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं होल कर सकता हूँ एक छोटा होल कर सकता हूँ. मतलब जैसे कि हमने हमारे ये जो पॉन्ड है ना इनको हमने होल किए ये जैसे ही फुल भरते हैं ना भाई तो ये यहाँ मतलब फुल कभी नहीं भरते यार ये इतना ही इनका लेवल होता है क्योंकि इनको ऑलरेडी होल है तो ये होल में से ये पानी निकल जाता है और इनका पानी का मेंटेन रहता है. मतलब ये फिशेज बाहर ना आए. टर्टल का भी देख लेता हूँ मैं.
टर्टल का तो पूरा फुल भर ही चुका होगा। देखो भाई ये तो पूरा पानी भी फुल भर चुका है और ये इतना गंदा कैसे हो जाता है भाई। जैसे ही बारिश होती है ना, यहाँ पे जितनी धूल मिट्टी होती है इस वॉल पे, तो ये सारी हमारे टर्टल पॉन्ड में चली जाती है, तो ये पूरा पानी ख़राब हो जाता है। तो इसी की वजह से पानी ख़राब हो जाता है और हमें ये भी चेंज करना होगा। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी फिर हम इसका पॉन्डी चेंज कर देंगे। देखो ये हमारा एक टर्टल है, बाकी बाहर धूप सेकने के लिए गए होंगे। ये देखो ये एक दो वाला, एक और ये दो। तो ठीक है दोस्तों, हमें जो प्लांट गिफ्ट मिला हुआ है वो हम कल लगा देंगे, क्योंकि यार अभी बारिश आ रही तो अभी लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।